स्टूडेंट, हाउ आर यू? प्लीज टेल मी इन कमेंट. सो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनसीईआरटी प्रॉब्लम एंड सीबीएसई बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन. ओके, मतलब कुछ एनसीईआरटी प्रॉब्लम है और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं, तो उस क्वेश्चन को बच्चों आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे. उस लेक्चर में आपको क्लियर कराएंगे वो सब एनसीईआरटी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा. ये जो क्वेश्चन चार्ज से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आया था सीबीएसई बोर्ड के, उस क्वेश्चन को कैसे इजिली हम सॉल्व कर पाते हैं. सो ओके बच्चा, तो क्या करिएगा, इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा. ओके, सो लेट स्टार्ट द क्लास. ओके, ऑल राइट. सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर वन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है स्टूडेंट. एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा. क्वेश्चन ये है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन वन कप वाटर, इन वन कप वाटर. ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक कप वाटर है, एक कप जल है, और उस कप जल में, एक कप जो जल आपके पास है उसमें कितना पॉजिटिव चार्ज होगा और कितना नेगेटिव चार्ज होगा. तो सबसे पहले आप H2O का मॉलिकुलर फार्मूला राइट करिए. यहाँ पे स्टूडेंट इसका सोल्यूशन देखिए ध्यान से. आपसे H2O की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वाटर. वाटर मीन जल, और जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O. तो H2O की अगर हम वन एटम की बात करें बच्चों, वन एटम, तो चेक कर लो कि वन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, कितना प्रोटॉन होगा, कितना न्यूट्रॉन होगा. तो यहां पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन क्या होता है, 1H1. हाइड्रोजन क्या होता है, 1H1 होता है. तो यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन्स है और 1 प्रोटॉन है. तो यहां पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का एटम्स है. हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो हाइड्रोजन का जब 2 एटम हो गया बच्चों, तो एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 एटम में कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन. और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का होता है 8O16. यहाँ पे यही तो होता है बच्चों, यही होता है एटॉमिक नंबर, यही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन. मतलब जो यहाँ पे नीचे राइट होता है, नीचे वही होता है इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, वही होता है प्रोटॉन का नंबर, और वही होता है बच्चों एटॉमिक नंबर हमारा. तो मैंने बताया आपसे कि एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2. और ऑक्सीजन का क्या होता है, 8O16 होता है. तो यहाँ पे 1 एटम में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना एटम्स है, 1. तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे, तो 8×2 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन. तो मतलब कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के एक एटम्स में, हाइड्रोजन के एक एटम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10. अब ऐसे बच्चों यहां पे निकाल लो प्रोटॉन. प्रोटॉन कितने हैं यहां पे, यहां पे एक प्रोटॉन, यहां पे कितना प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन. तो अब एक्चुअली में इसके 2 एटम है, तो यहां पे 2 प्रोटॉन हो जाएगा, यहां पे 8 प्रोटॉन. तो 8×2 कितना हो जाएगा, 10. मीन्स जितना इलेक्ट्रॉन्स है और उतना ही क्या है, प्रोटॉन है. आप समझिए ध्यान से कि हाइड्रोजन H2O के 1 एटम में 10 इलेक्ट्रॉन्स है और कितने प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन है. तो अब आपको चेक करना है कि एक्चुअली में 1 कप वाटर, जो 1 कप वाटर है उसमें कितने एटम्स आएंगे हाइड्रोजन के. जब आपको कितने एटम्स आएंगे, तो जो एटम्स का नंबर होगा अगर उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आपको इलेक्ट्रॉन्स का नंबर मिल जाएगा. और अगर एटम्स के नंबर, क्योंकि देखो एक एटम्स में इतने इलेक्ट्रॉन्स, तो समथिंग एटम आएगा, तो उतने एटम्स को क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, तो आपको इलेक्ट्रॉन्स का नंबर मिल जाएगा. और जब उसको 10 से मल्टीप्लाई अगेन करा देंगे, तो फिर किसका नंबर मिल जाएगा, प्रोटॉन का. तो जब आपको इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन का नंबर आ जाएगा, तो बच्चों अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला Q=ME. Q=2 क्या अप्लाई कर देंगे, एनी. तो आपको पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा, और कौन सा चार्ज मिल जाएगा, नेगेटिव चार्ज. तो सबसे पहले आपको क्लियर क्या करना था इस क्वेश्चन में, कि H2O के 1 एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और कितने प्रोटॉन हो गए, 10 प्रोटॉन हो गए. तो अब आप निकालिए कि 1 कप वाटर है, 1 कप आपके पास जल है, और 1 कप जल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, कितना प्रोटॉन होगा. तो सबसे पहले बच्चों आपको ये चेक करना है कि 1 कप जल में, 1 कप वाटर में
कितने एटम्स हैं, वन कप है, यहां पे क्या बोल रहा है, वन कप, और वन कप में बच्चों होता है 250 ग्राम। वन कप में कितना ग्राम होता है, 250 ग्राम। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यहां पे निकालते हैं। सबसे पहले H2O का मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये तो हो ही गया, अब इसका निकालते हैं 2 × 1 प्लस इसका क्या होता है 16, 8 और 16 होता है ना, तो 8 टोटल आएगा मोलर मास, तो 2 × 1 = 2 प्लस 16 कितना हो गया 18 ग्राम। तो इसका जो मास आया वो कितना आ गया 18 ग्राम। अब आपको स्टूडेंट पता है 18 ग्राम में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो होता है आपका 6.023 × 10^23। ये तो आपने करंसी में पढ़ लिखा है, पढ़ चुके हो कि H2O का एटॉमिक वेट कितना है 18 ग्राम। तो इसमें कह सकते हैं कि एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास ऐसा कुछ भी बोल दीजिए, इसका एटॉमिक मास कितना आया 18 ग्राम। फिलहाल आपको एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास ये सब में क्लियर होगा जब आपको न्यूक्लियस चैप्टर बताया जाएगा उसमें। फिलहाल यहाँ पे क्या लर्न कर लिया, 18 ग्राम हो गया इसका एटॉमिक मास। ओके, तो 18 ग्राम में कितना हो गया 6.023 × 10^23 एटम्स, ये इतने एटम्स हैं। ओके, तो अब मैं बात करूं बच्चों अगर 1 ग्राम की, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 6.023 × 10^23 अपॉन 18। आपसे कितने की बात कर रहा है, एक कप मतलब 250 ग्राम जल, 250 ग्राम जल। ओके, 250, तो 250 ग्राम की बात कर रहा है, तो 6.023 × 10^23 अपॉन 18 × 250। ओके बच्चा, तो अब क्या करना है स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व करना है आपको, इसको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद देखते हैं हम कितना एटम्स आता है। ओके, सो ये है नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गया। तो अब मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो टोटल नंबर आएगा, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इतने एटम्स है, इसको क्या करिए 10 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो जब यहां से 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर हो जाएगा वो आएगा 83.652 × 10^24। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हो गया। अब आपसे चार्ज पूछ रहा है, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का कितना हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, तो q = ne। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हाट गिवन हियर 83.65 × 10^24 चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन्स 1.6 × 10^-19। सो स्टूडेंट व्हेन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन देन वी कैन गेट द फाइनल आंसर। ओके, सिमिलर इलेक्ट्रॉन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन 83.652 × 10^24। सो अगेन अप्लाई द फॉर्मूला q = ne। ओके बच्चा, सो हियर वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ n एंड स्मॉल e, देन वी गेट द फाइनल आंसर। सो फ्रॉम दिस मेथड वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ, वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। ओके, तो करना क्या, सबसे पहले आपको ये करना है कि H2O के वन एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने प्रोटॉन हैं, आपको ये निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने प्रोटॉन्स हैं, वो चेक कर लीजिए। तो पता चला कि H2O में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स, और कितने प्रोटॉन हैं, 10 प्रोटॉन है। ओके, अब H2O का वेट कितना आया, मास कितना आया, 2 × 1 + 16 = 18 ग्राम। तो 18 ग्राम में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, वही होता है एवोगैड्रो नंबर 6.023 × 10^23 एटम्स। तो 1 ग्राम में इतना हो गया अपॉन 18 से डिवाइड करना पड़ा मुझे, और 250 में कितना हो जाएगा, 250 से मल्टीप्लाई कराने पर ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स। तो जब किस नंबर ऑफ एटम्स हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे स्टूडेंट, तो आपको इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आ गया, और इलेक्ट्रॉन्स का जब नंबर आ गया तो आप नेगेटिव चार्ज को निकाल सकते हैं, अमाउंट ऑफ नेगेटिवली चार्ज। ओके, नेगेटिव चार्ज जो भी कुछ आएगा सॉल्व करने पर आप बताइएगा। पॉजिटिव प्रोटॉन का नंबर निकालना था, प्रोटॉन का नंबर, इतना प्रोटॉन का नंबर भी होगा, बिकॉज इतने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही प्रोटॉन्स,
यहाँ पे आपने फिर अप्लाई करिए क्यू कल टू एन ए, जब यहाँ पे क्यू कल टू एन ए को अप्लाई करेंगे फिर आप इजिली फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। इसको कुछ करना नहीं था, मल्टीप्लाई करना है बस और कुछ भी नहीं करना है। ओके सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी सेकंड क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में कह रहा है इफ 10^9 इलेक्ट्रॉन्स, इफ है 10^9 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इलेक्ट्रॉन्स इज ट्रांसफर्ड इन वन सेकेंड। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके पास दो बॉडी हो, दो मटेरियल हो और आपने क्या किया कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 10^9 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है 10^9 इलेक्ट्रॉन्स, और 10^9 इलेक्ट्रॉन्स को जाने में कितना टाइम लग रहा है 1 सेकेंड, 10^9 इलेक्ट्रॉन्स को जाने में कितना टाइम लग रहा है 1 सेकेंड। तो अगर ऐसे आपको उसी बॉडी से दूसरे बॉडी में 1 कूलम्ब चार्ज को भेजना है तो 1 कूलम्ब चार्ज को भेजना है तो हाउ मेनी टाइम और हाउ मेनी सेकेंड आर ईयर, हाउ मेनी ईयर्स आर टाइम, कितना टाइम होगा। अगेन रिपीट क्वेश्चन, 10^9 इलेक्ट्रॉन्स इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन 1 सेकेंड, सो इन हाउ मेनी टाइम्स विल टेक टू ट्रांसफर 1 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मींस कहने का मतलब यह है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में जा रहे हैं तो अगर आपको 1 कूलम्ब चार्ज को भेजना है तो कितना टाइम लगेगा। तो पहले स्टूडेंट ये जानिए कि 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 कूलम्ब चार्ज में 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 कूलम्ब चार्ज में 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट ये बताओ 10^9 इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो रहा है, 10^9 इलेक्ट्रॉन्स इज ट्रांसफर इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, सो 1 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर इन व्हाट 1/10^9। सो इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको ट्रांसफर करना है 6.25 × 10^9 इलेक्ट्रॉन्स इज ट्रांसफर इन व्हाट 1/10^9 इंटू 6.25 × 10^18। सो सॉल्व इट, 6.25 × 10^9 सेकेंड, 6.25 × 10^9 सेकेंड। तो स्टूडेंट जब इसको हम आप चेक करेंगे ईयर्स में तो अप्रोक्सीमेटली 198 ईयर्स आता है। तो थिंक करो, इमेजिन करो, सोचो कि 1 कूलम्ब चार्ज को देना है अगर किसी बॉडी को कितना ईयर्स लगता है, तो 1 कूलम्ब चार्ज एक्चुअली में उसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, 1 कूलम्ब चार्ज को देना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कभी कभी देखोगे आप लोग बहुत ज्यादा देखोगे कि 1 कूलम्ब चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है, ऑलवेज माइक्रो कूलम्स नैनो कूलम्स ऐसे कुछ करके होता है, तो उसमें अमाउंट बहुत कम बताया जाता है, अमाउंट बहुत कम होता भी है। देख रहे हैं ना 10^9 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने में 1 सेकंड लगता है, तो अगर 1 कूलम्ब चार्ज को भेजना है कितना सेकंड लग रहा है, सॉरी कितना ईयर्स लग रहा है 190 ईयर्स, ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा होता है, एक्चुअली में 190 ईयर्स बहुत ज्यादा होता है। इसलिए कहते हैं कि 1 कूलम्ब चार्ज की कैपेसिटी आप उसकी कितनी पावर होती है, कितना ज्यादा खतरनाक होता है, उसके बारे में इमेजिन करना बहुत आसान नहीं होता। ओके अगर किसी बॉडी को 1 कूलम्ब चार्ज दे तो उस बॉडी का कोई अस्तित्व तो रहेगा ही नहीं। ओके स्टूडेंट लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट जो क्वेश्चन आया है सीबीएसई बोर्ड में आया है 2003 में और इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड है, आप देखिएगा मिलेगा आपको। स्टूडेंट टू चार्ज गिवन है Q1 एंड Q2 सेपरेटेड एट सम डिस्टेंस, सेपरेटेड एट सम डिस्टेंस। आपको टू चार्ज गिवन हुआ,
एक Q1 हुआ और एक क्या हुआ Q2, उनको कुछ डिस्टेंस पर रख दिया गया और ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेटिस्फाई टू इक्वेशन, सेटिस्फाई टू इक्वेशन Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू जीरो। आपके पास टू चार्ज है, एक Q1 है और एक क्या है Q2 है, वो एक कंडीशन है Q1 प्लस Q2 क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाट डज इट टेल, ये जो क्वेश्चन है Q1 प्लस Q2 इक्वल टू जीरो ये क्या बता रहा है, इससे हमको क्या पता चल रहा है, कुछ लॉजिक निकल के आ रहा है कि नहीं निकल के आ रहा है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चे आते हैं बोर्ड में। सो यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखिए इसका, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू आर जीरो, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू आर जीरो, तो इसको इस तरह करीब ट्रांसपोज करिए, सो Q1 इक्वल टू आर Q2, तो इससे क्या पता चल रहा है कि दोनों चार्ज का अमाउंट क्या है सेम है बट नेचर क्या है निगेटिव है। तो चार्ज आर ऑफ इक्वल अमाउंट, चार्ज का अमाउंट क्या है इक्वल है, हैविंग अपोजिट नेचर, लेकिन उनका नेचर क्या है अपोजिट है। सो अगेन रिपीट द क्वेश्चन, टू चार्ज गिवन Q1 एंड Q2 सेपरेटेड एट डिस्टेंस सेटिस्फाई टू इक्वेशन Q1 प्लस Q2 इक्वल टू जीरो, व्हाट डज इट टेल्स, ये क्या बता रहा है, आपके पास दो चार्ज था Q1 और Q2 क्या कर रहा था इसको सेटिस्फाई कर रहा था, तो इसका क्या मतलब है, इससे क्या सेंस निकल रहा है। तो स्टूडेंट Q1 प्लस Q2 इक्वल टू जीरो, सो Q1 इक्वल टू कितना हो गया माइनस Q2, इसका मतलब यह है कि दोनों चार्ज का है उनका अमाउंट सेम है, दोनों चार्ज का अमाउंट क्या है सेम है, लेकिन उनका क्या है नेचर नेगेटिव और एक का पॉजिटिव है, मतलब उनका नेचर क्या है बिल्कुल उल्टा है। ओके, सो इट वॉज क्वेश्चन रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी, सुनील ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड में आया है 2011 में और बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ये यहाँ पे समझ गए तो आपको जो आगे नेक्स्ट लेक्चर में होगा, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा कुलम्स ला, तो कुलम्स ला में ऐसे क्वेश्चन बहुत बनाए जाते हैं, तो अगर ये यहाँ पे समझ पाए आज तो बहुत मजा आ जाएगा। ओके, सो सपोज दैट क्वेश्चन गिवन है, एक बॉडी यहाँ पे ए है, इसके पास चार्ज 4Q है, और यहाँ पे गिवन है एक बॉडी बी, इसके पास चार्ज माइनस टेन क्यू, टू बॉडी ए एंड बी, इसके पास चार्ज 4Q, इसके पास चार्ज -10Q, एक अनचार्ज बॉडी है सी, एक अनचार्ज बॉडी सी है, उसको क्या किया गया, पहले एक ये अनचार्ज है, ये क्या सी वाला अनचार्ज है, इसको क्या किया गया, सबसे पहले ए से फर्स्ट प्रोसेस यहां पे ए से रब कराया गया, और फिर किससे रब कराया गया, फर्स्ट प्रोसेस यहां से हो रहा है और सेकंड प्रोसेस यहां से हो रहा है, एक बार सी को ए से रब करा दिया गया और फिर क्या किया गया, एक बार सी को बी से रब कराया गया, तो इसके बाद सी को हटा लिया गया और सी को हटाने के बाद फिर ए एंड बी का रबिंग प्रोसेस शुरू होता है, ए और बी को क्या कराया गया, उनको खुद रब कराया गया, और जब रब कराया गया तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि चार्ज एट बॉल ए एंड बॉल बी। ओके, सो गिवन टू बॉल ए एंड बी विच हैव द चार्ज Q4, Q1, -10Q रिस्पेक्टिवली, व्हेन अ अनचार्ज बॉडी अनचार्ज बॉल सी इज ए कॉन्टैक्ट ऑफ ए एंड आफ्टर दैट इट कम्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ बी एंड फाइनली बोथ बॉडी ए एंड बी आर ऑल्सो इन कॉन्टैक्ट, वो क्या करते हैं उनको फिर हम क्या करते हैं रब कराते हैं। ओके, तो ए और बी पे चार्ज कितना होगा, अगेन क्या है आपको दो बॉल दिया है ए एंड बी, उस पे चार्ज कितना है 4Q, -10Q, एक अनचार्ज बॉल सी उसको पहले ए से रब कराया गया फिर बी से रब कराया गया फिर क्या किया गया सी को हटा करके ए एंड बी को आपस में ही रब करा दिया गया, जब उनको आपस में रब कराया गया तो आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ फाइनली चार्ज ए एंड बी पे कितना होगा, चार्ज एट बॉल ए एंड बॉल बी कितना होगा, वो एक क्वेश्चन है आपको। ओके, सो टेक सॉल्व करते हैं स्टूडेंट,
आपके पास बॉल सी है तो बॉल सी पे कितना चार्ज है जीरो और ए पे चार्ज कितना है फोर की. तो क्या किया गया सबसे पहले ए एंड सी को रबे कराया गया. तो इसके पास चार्ज कितना था फोर की, उसके पास चार्ज क्या था जीरो. तो आप यहां पे कॉन्सेप्ट सीखिए सबसे पहले. आपको अगर सपोज दैट दिया है दो चार्ज है, दो बॉडी है, एक बॉडी ए हो गया और एक बॉडी क्या हो गया बी, और इन पे चार्ज क्यू वन है, इन पे चार्ज कितना है क्यू टू है. यू हैव गिवन टू टू बॉल ए एंड बी विच हैव द चार्ज क्यू वन एंड क्यू टू रिस्पेक्टिवली. व्हेन दे रब्ड देन चार्ज ऑन ईच बॉल. आपको क्या किया गया ए और बी को रब कराया गया और रब कराने के बाद अगर पूछा जाता है कि ये बताओ ईच बॉल पे चार्ज कितना होगा, तो स्टूडेंट को जो चार्ज होता है क्यू वन प्लस क्यू टू अपॉन टू, ये चार्ज होता है हर एक बॉल पे. उतना ही चार्ज इस पे भी होगा, उतना ही चार्ज इस बॉल पे भी आएगा. ओके तो करना क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा बॉल ए है, बॉल ए के पास फोर क्यू है बट सी के पास क्या है जीरो कूलम्ब चार्ज है. तो जब इनको रब कराया गया तो ए और सी पे कितना हो जाएगा चार्ज, तो फोर क्यू प्लस जीरो अपॉन टू. तो यहां पे कितना हो जाएगा, इसके पास जो चार्ज आएगा स्टूडेंट वो टू क्यू हो जाएगा. यहां पे सॉल्व करने पर इसके भी चार्ज कितना आएगा टू क्यू. मीन्स अब आप कह सकते हैं कि सी के पास कितना चार्ज हो गया टू क्यू और ए के पास चार्ज कितना हो गया टू क्यू. तो अब क्या आ गया, इसके बाद फिर सी को बी से रब कराया गया, सी यहां पे है और बी यहां पे है, इनके बीच रबिंग प्रोसेस शुरू होता है. तो सी के पास चार्ज कितना है टू क्यू और इसके पास चार्ज कितना है स्टूडेंट माइनस टेन क्यू. तो अब इनको क्या करेंगे, फिर रब कराएंगे, इनको क्या करिए रब कराइए. तो रब कराने के बाद फिर क्या होगा, वही प्रोसेस, इनको एड करना है और ऐड करने के बाद टू से डिवाइड करना है. ऐड करने के बाद फिर क्या किया गया, एक को टू से डिवाइड करना है. तो यहाँ पे टेन क्यू यहाँ पे टू क्यू, ये नेगेटिव ये क्या है पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा माइनस एट क्यू अपॉन टू. तो टू फोर जा एट क्यू हो गया. तो अब यहाँ पे जो चार्ज आया स्टूडेंट वो भी माइनस फोर क्यू हो गया और इसमें भी जो चार्ज आया वो कितना है माइनस फोर क्यू. अब यहाँ पे देखिए आप ए के पास चार्ज कितना है टू क्यू और बी के पास चार्ज कितना आया है माइनस फोर क्यू. अब इसके बाद फिर ए एंड बी इनको फिर रब कराया गया, तो ए के पास यहाँ पे चार्ज कितना टू क्यू, यहाँ पे माइनस फोर क्यू. तो रब कराओ, रब कराने पर क्या होता है, जो चार्ज कैसे निकालते हैं दोनों को एड करने के बाद टू से डिवाइड करना पड़ता है. तो टू क्यू माइनस फोर क्यू अपॉन टू, तो ए कितना आएगा माइनस टू क्यू अपॉन टू टू फिनिश. तो इसका मतलब इसमें भी चार्ज कितना आ गया माइनस क्यू और यहाँ जो माइनस क्यू बचा है ना इसलिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना हो गया माइनस क्यू. तो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न टू कॉन्सेप्ट, व्हाट इज कॉन्सेप्ट, आपके पास अगर टू बॉडी है, एक पे चार्ज क्यू वन है और दूसरे पे चार्ज क्या है क्यू टू है, जब उनको रब कराया जाता है तो रब कराने पर चार्ज कैसे निकालते हैं हर एक बॉल पर, दोनों को एड करके टू से डिवाइड कर दिया. ओके तो यहाँ पे देखिए ए के पास फोर क्यू था, इसके के पास क्या था जीरो था, जब इनको रब कराएंगे तो इनको क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड करना पड़ेगा. तो फोर क्यू प्लस जीरो बार क्या हो जाएगा फोर क्यू और फोर क्यू को टू से डिवाइड करो कितना आएगा टू क्यू, इससे भी कितना आ गया टू क्यू. अब सी को किससे रब कराया गया बीस है, तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे गया माइनस है, तो एट क्यू आएगा, तो एट क्यू का हाफ कितना हो जाता है माइनस फोर क्यू, तो माइनस फोर क्यू यहाँ पे माइनस फोर क्यू यहाँ पे. तो अब यहाँ पे बी के पास फाइनली माइनस फोर क्यू चार्ज आया था और ए के पास फाइनली कितना चार्ज आया था टू क्यू. तो रब कराएंगे तो क्या हो जाएगा टू क्यू माइनस फोर क्यू, माइनस टू क्यू आएगा, उसको टू से डिवाइड करो कितना हो जाएगा माइनस क्यू. तो इसका मतलब जो फाइनल चार्ज ऑन बॉल एट बॉल ए एंड बी जो आया है वो माइनस क्यू, यहाँ पे कितना हो गया माइनस क्यू हो गया. ओके सो स्टूडेंट इन द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो इसका सब होता है चार्जिंग मेथड, मेथड ऑफ चार्जिंग. ओके एंड बी डिस्कस अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड इंडक्शन मेथड. इंडक्शन मेथड से किसी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे अभी सीखा होगा कि बॉडी को रब कराते हैं बॉडी चार्ज हो जाती है ना, बट वहां पे ऐसा क्या हो जाता है, वहां पे क्या चीज होता है कि बॉडी कॉन्टेक्ट में भी नहीं आता और फिर भी चार्ज हो जाता है. सो इसके बारे में बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में बात करें.